तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। प्रियदर्शन, प्रियदर्शन ये भाई साहब एक ऐसा डायरेक्टर है जिनकी शौक है एक ही फिल्म को अलग अलग लैंग्वेज में रिमेक बनाने की। मलयालम से तमिल, तमिल से तेलुगु, तेलुगु से हिंदी, यही इनका काम है। हे और राम भाई ये अपना काम अच्छे से करते भी है। तो भाई बरोबर। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन के फिल्म भागम भाग की। भागम भाग कोई एक फिल्म का रिमेक नहीं है, ये तो और दो तीन मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनी है। ओके देखो सबसे पहले तो भागम भाग का प्लॉट 1995 की मलयालम फिल्म मन्नर मथाई स्पीकिंग से ली गई है, जो कि खुद 1958 की हॉलीवुड फिल्म वर्टिगो से इंस्पायर होकर बनी है, और कुछ कॉमेडी सीन्स 1987 की मलयालम फिल्म नाडोडिकट्टू से ली गई है, और आखिर में भागम भाग का क्लाइमैक्स 1963 की इट्स ए मैड 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 वर्ल्ड की क्लाइमैक्स से ली गई है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो क्या आप लोग वीडियो के लिए तैयार हो? एहे, रहा नहीं तो जाता। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई भागम भाग में हमें देखने को मिलता है, बंटी और बाबला की हरकतों की वजह से चंपक सेठ का ड्रामा का हीरोइन भाग जाती है। तो ये लोग को चंपक सेठ कहता है कि जो भी हीरोइन लेके आएगा वही ड्रामा में हीरो बनेगा, और यही चक्कर में जाकर बंटी और बाबला को ये ड्रग्स का बैग मिल जाता है। और ये सीन सब 1987 की मलयालम फिल्म नाडोडिकट्टू से इंस्पायर होकर बनी है। बंटी और बाबला जब सारा ड्रग्स पुलिस को देने जाते हैं, तो पुलिस उल्टा इन दोनों के ऊपर सवाल जवाब करने लग जाता है। तो ये लोग गुल्लू टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताते हैं, और ये सीन भी समझ रहे हो। अब जब गुल्लू समझ जाता है कि इन लोगों को ड्रामा की हीरोइन चाहिए, तो गुल्लू बंटी को गुरु के पास ले जाता है। और यहाँ का ये जो कार और कुत्ता वाला सीन है, ये 1995 के मन्नर मथाई स्पीकिंग से ली गई है। बंटी और गुल्लू उन गधों को छोड़ के आने के बाद रास्ते में एक लड़की को उनकी टैक्सी के सामने आते हुए देखते हैं। तो गुल्लू बंटी को सलाह देता है कि इसे ही अपनी ड्रामा के लिए हीरोइन ले लो। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। तो अब बंटी उसे ड्रामा की हीरोइन के लिए ले आता है, और अब भाई आपने तो भागम भाग में बंटी की पेपर पढ़ और गुरु की टांग तोड़ वाला सीन को शायद नहीं भूले होंगे। आपको क्या लगता है, ये ओरिजिनल था? नहीं, ये भी मन्नर मथाई स्पीकिंग की एक सीन का हिस्सा था। अब जब मुन्नी की एक्सीडेंट हो गई, तो मुन्नी बताने लगी कि उसका पति विक्रम चौहान है, और वो विक्रम के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन रात को वापस मुन्नी कॉल करके कहती है कि विक्रम उसका पति नहीं है, और वो वहाँ नहीं रहना चाहती। अगर ये लोग उसे लेने नहीं गए तो वो खुदकुशी कर लेगी। तो अब बंटी, बाबला और चंपक सेठ विक्रम के घर पहुँचते है। अब भागम भाग में मुन्नी लास्ट में जाकर सामने आके बंटी को कहती है कि वो विक्रम के प्लान के मुताबिक काम कर रही थी, और जब उसकी काम खत्म हुआ तो वो जब विक्रम से पैसा लेकर जा रही थी, तो मुन्नी अपने पासपोर्ट विक्रम के घर में ही भूल गई, और पासपोर्ट लेने आते टाइम वो देखती है कि विक्रम खुद अपने बीवी को जलाकर मारने वाला था, और विक्रम का इसी प्लान में मुन्नी फंस गई। भागम भाग का क्लाइमैक्स तो एकदम मस्त है, लेकिन क्या इसका क्लाइमैक्स भी किसी मलयालम या तमिल मूवी से ली गई है? नहीं। भागम भाग का क्लाइमैक्स 1963 की इट्स ए मैड 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 वर्ल्ड मूवी की क्लाइमैक्स से ली गई है, वो भी एकदम फ्रेम टू फ्रेम। धमाल और टोटल धमाल में तो हम इस मूवी का सीन देख चुके थे, अब भागम भाग में भी। ओ भाई, मारो मुझे मारो।
तो भाई आप लोगों ने तो प्रियदर्शन की क्रिएटिविटी देख ली, अब इसे इंस्पायर कहा जाए या कॉपी कहा जाए कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। We'll be right back.